बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इन टेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है और इनको हम उर्दू में किस तरह से पहचानते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। लेकिन आगे चलने से पहले आप एक दफ़ा याद करें, जब हमने कंटिन्यूअस टेंसेस को पढ़ा था, सिंपल कंटिन्यूअस को, तो आपको बताया था कि हर वो फिक्रा जिसमें कोई भी काम अपनी जारी हालत में होता है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा कहते हैं। अगर काम इस ज़माने में प्रेजेंट में अपनी जारी हालत में है तो वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, गुजरे ज़माने में वो काम अपनी जारी हालत में था तो वो पास्ट का कंटिन्यूअस है, और इसी तरह से हम आने वाले दौर के लिए जो बनाते हैं वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है। और फिर इनको इंग्लिश में जब हमने कंपोज किया तो तीनों फिक्रों के अंदर, चूंकि काम अपने जारी हालत में होता है इसलिए इन तीनों फिक्रों के अंदर हमने वर्ब की एक ही फॉर्म को इस्तेमाल किया था और वो थी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो तीनों जमानों के अंदर हम डिफरेंट रखते हैं। प्रेजेंट में आईएनजी वाली फॉर्म के साथ इज एम आर लगाते हैं, पास्ट में वाज और वर में से कोई लगाती हैं, और फ्यूचर में आईएनजी वाली फॉर्म के साथ हम लगाती हैं विल बी या शैल बी। यानी ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्हें आप प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। अब आप ये करें, ये आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, इनमें देखें, डाकिया खत तकसीम कर रहा है, ये प्रेजेंट का सिंपल कंटिन्यूअस है। पास्ट में देखें, डाकिया खत तकसीम कर रहा था, और फ्यूचर में देखें, डाकिया खत तकसीम कर रहा होगा। अब आप ये करें, ये तीनों जो सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस के फिक्रे लिखे हुए हैं और इन फिक्रों के अंदर जो बात कही जा रही है उस बात में थोड़ा सा इजाफा कर दें। यानी आप ये भी बताएं कि इन फिक्रों में जो काम अपनी जारी हालत में है वो काम कब से जारी हुआ है, यानी कब से हो रहा है। यानी पहले है ना, डाकिया खत तकसीम कर रहा है, अब आप ऐसे करें, कोई फर्जी टाइम लगाएं साथ कि डाकिया 3 घंटों से खत तकसीम कर रहा है। इसी तरह से पास्ट में लगा दें, डाकिया 3 घंटों से खत तकसीम कर रहा था। फ्यूचर में बना लें कि डाकिया 3 घंटों से खत तकसीम कर रहा होगा। यानी अब इन फिक्रों में और जो सिंपल फिक्रे आपने पढ़े थे उनमें फ़र्क देख लें, सारी बात वही है, उसी काम की बात हो रही है और उसी काम की जारी होने की बात हो रही है। लेकिन अब सिर्फ ये हमने किया है कि फिक्रे के अंदर मेंशन कर दिया है कि फलां काम जो जारी है वो कब से जारी है, यानी 3 घंटों से डाकिया खत तकसीम कर रहा है, या कह दें कई महीनों से डाकिया खत तकसीम कर रहा है, या कई दिनों से डाकिया खत तकसीम कर रहा है, या नवंबर के महीने से डाकिया खत तकसीम कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ बता दें कि जो काम अपनी जारी हालत में है वो कब से हो रहा है। तो जो फिक्रे बनते हैं इन फिक्रों को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे कहते हैं, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो काम होता है, इनमें जो एक्शन होता है वो एट अ टाइम वो परफेक्ट भी होता है और साथ कंटिन्यूअस भी होता है। अब देखें, हम कह रहे हैं 3 घंटों से डाकिया खत तकसीम कर रहा है, इस वक्त फ़र्ज़ करें 2 बजे हैं और डाकिया ने खत तकसीम करने वाला काम शुरू किया था 11 बजे, 3 घंटे गुजर गए हैं उसको ये काम करते हुए, और उसने टोटल कुल मिला के 5 घंटे ये काम करना है, यानी 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उसने ये काम करना है। तो हम कह रहे हैं, असल में जब ये बात बोल रहे हैं कि डाकिया 3 घंटों से खत तकसीम कर रहा है, तो हम असल में ये कह रहे हैं कि उसका जो 5 घंटे का ये काम है, इसमें से 3 घंटों का काम हो गया है और 2 घंटों का काम अभी बाकी रहता है। यानी इस काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, 11 बजे से 2 बजे तक का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी काफ़ी सारे खत उसने तकसीम कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ बाकी हैं और उसके जो ड्यूटी आवर्स हैं वो भी अभी 2 घंटे बाकी पड़े हैं, 4 बजे तक उसने ये काम करना है, तो 2 घंटों का काम अभी बाकी भी रहता है, वो जारी है, वो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो इस काम में मसरूफ़ है। यानी ये वो फिक्रे होते हैं जिनमें हम ये बताते हैं कि काम का कुछ हिस्सा हो चुका है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक का, या इतना दौरानिया, इतने घंटों का, इतने महीनों का, इतने सालों का काम हो चुका है और बाकी कुछ रहता है अभी, और वो जो रहता है वो अपनी जारी हालत में है। तो इसलिए इन फिक्रों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रे कहा जाता है। यानी डाकिया 3 घंटों से खत तकसीम कर रहा है, इसको हम कंटिन्यूअस नहीं, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे, क्योंकि इस फिक्रे के अंदर टाइम भी मेंशन कर दिया गया है कि जो काम अपनी जारी हालत में है वो कब से हो रहा है। इसी तरह से पास्ट में डाकिया 3 घंटे से खत तकसीम
कर रहा था, और फ्यूचर में आप देख रहे हैं डाकिया 3 घंटे से खत तकसीम कर रहा होगा। यानी इन फिक्रों में से अगर ये 3 घंटे से ये अल्फाज निकाल दें तो बाकी सारा फिक्रा वही है जो हमने सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। तो बस ये बात आप ज़हन में रखें कि सिंपल कंटिन्यूअस का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का फ़र्क ये होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये भी बता दिया जाता है कि जो काम अपनी जारी हालत में है वो कब से हो रहा है, उसके होने का जो दौरानिया है या कितने बजे किस महीने किस दिन वो काम शुरू हुआ ये भी बता दिया जाता है, उसके शुरू होने के बारे में थोड़ा इशारा दे दिया जाता है, बात में इजाफा कर दिया जाता है। अब इनको इंग्लिश में कंपोज करना है, और इंग्लिश में कंपोज करते हुए आपको याद होगा आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो 12 टेंसेज हम पढ़ेंगे उनमें से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअस वाला वर्ड आता है, 3 सिंपल कंटिन्यूअस और 3 ये जो हम आज पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हर वो टेंस जिसमें कंटिन्यूअस वाला वर्ड यूज़ होता है यानी जिस फिक्रे में काम अपनी जारी हालत में होता है उसमें हम वर्ब की फॉर्म एक ही इस्तेमाल करती हैं और वो होती है ING वाली फॉर्म। यानी ये फिक्रे भी कंटिन्यूअस ही हैं, इन फिक्रों के अंदर भी काम अपनी जारी हालत में है, और आपको बताया था कि काम के जारी होने को शो करती है वर्ब की ING वाली फॉर्म, तो इन फिक्रों के अंदर भी तीनों के अंदर हम ING वाली फॉर्म को ही इस्तेमाल करेंगे। यानी 12 में से 6 टेंसेज ऐसे हैं जिनके अंदर वर्ब की ING वाली फॉर्म यूज़ होती है, और यानी सबसे ज़्यादा टेंसेज में यूज़ होने वाली जो वर्ब की फॉर्म है वो यही वाली है ING वाली फॉर्म, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। तो इसको यूज़ करें और फिक्रे को कंपोज करें, द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स। ये फिक्रा अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, लेटर्स के बाद अब हम बताएंगे आखिर में कि कब से ये काम हो रहा है, मेंशन करेंगे वो टाइम मेंशन करेंगे, तो हम लिख रहे हैं फॉर 3 आवर्स, द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स। ये फिक्रा थोड़ा लेंथी होता है सिंपल कंटिन्यूअस की निस्बत, क्योंकि इसमें टाइम भी मेंशन कर दिया जाता है। पास्ट में देख ले, इसमें भी वर्ब की ING वाली फॉर्म ही यूज़ होनी है, तो हमने लिखा द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स। इसी तरह से फ्यूचर में बना रहे हैं तो उसमें भी ING वाली फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, द पोस्टमैन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स। तो ये तीनों सेम ये फिक्रें, फिर आपको पता है तरीकाकार हम जानते हैं कि जब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में एक ही वर्ब की फॉर्म होती है जो एक्शन की हालत को शो कर रही होती है तो सारे फिक्रें सेम ही बनती हैं, लेकिन हमने साथ साथ टाइम को भी मद्देनज़र रखना होता है कि जिस एक्शन के जारी होने की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन किस ज़माने में जारी है वो भी हमने फिक्रे के अंदर वाजे करना होता है, तो वो आप जानती हैं उसको वाजे करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। प्रेजेंट में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाती हैं सिंपल कंटिन्यूअस में वो तो आप जानती हैं इज़ एम और आर होती हैं, लेकिन अब चूँकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रही हैं इसलिए आपने अब हेल्पिंग वर्ब्स चेंज कर देनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स लगाती हैं वो होती हैं हैज़ बीन और हैव बीन, इन में से आपने कोई एक यूज़ करना होता है। और इसी तरह से पास्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाती हैं वो होती हैं हैड बीन, एक ही होता है, इसी को आप तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा बना रहे होती हैं। और फ्यूचर में जो हम लगाते हैं वो होती हैं विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये विल और शैल का फ़र्क आप जानते हैं, तो इस तरह करके हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को अब इन फिक्रों में यूज़ करेंगे तो ये तीनों अलहदा अलहदा बनेंगे। पहला फिक्रा बनेगा द पोस्टमैन हैज़ बीन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स। अब देखिए अगर ये आखिर में फॉर 3 आवर्स ना होता, लेटर्स पे फिक्रा ख़त्म हो जाता और हम सिर्फ काम के जारी होने की बात करते तो फिर हम हैज़ भी ना लगाते, फिर हम कहते द पोस्टमैन इज़ डिलीवरिंग द लेटर्स, वो सिंपल कंटिन्यूअस होता। लेकिन अब चूंकि आखिर में टाइम भी बता रहे हैं फॉर 3 आवर्स, ये काम इतनी देर से जारी है तो फिर हम लगा रहे हैं इज़ नहीं लगा रहे बल्कि हैज़ बीन लगा रहे हैं, द पोस्टमैन हैज़ बीन डिलीवरिंग द लेटर्स। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन गया, और पास्ट में हम लगाएंगे द पोस्टमैन हैड बीन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स, और फ्यूचर में द पोस्टमैन के साथ आप विल हैव बीन लगा दें, द पोस्टमैन विल हैव बीन डिलीवरिंग द लेटर्स फॉर 3 आवर्स। तो इस तरह करके ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो ये बस आप सिंपल सी बात ध्यान में रखें कि इन फिक्रों के अंदर टाइम भी मेंशन होता है कि जो काम अपना जारी हालत में है वो कब से जारी हालत में है, और उसके बाद इन फिक्रों के जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सिंपल कंटिन्यूअस से डिफरेंट होती हैं, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो इनके अंदर भी ING वाली ही यूज़ की जाती है।
अब आप कुछ और फिक्रें देखें। मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट का सिंपल कंटिन्यूअस है। लेकिन आप कहें मैं 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट में देखें, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, ये पास्ट का सिंपल कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो अब ये हो गया पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर का सिंपल कंटिन्यूअस है। आप कहें मैं 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इनको इंग्लिश में कंपोज करें, पहला फिक्रा बनेगा आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री, क्योंकि बाद में फॉर 5 ईयर्स भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, इसलिए मैंने हैव बीन बोला है। लेकिन अगर टाइम ना होता तो मैं कहता आई एम वर्किंग इन अ फैक्ट्री, यानी ये फिक्रा यहाँ पे ख़त्म हो जाता, सिंपल कंटिन्यूअस होता। लेकिन चूंकि बाद में टाइम भी है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ कर रहे हैं। पास्ट में देखें, आई हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स, इसमें हैड बीन यूज़ किया जा रहा है हेल्पिंग वर्क के तौर पे। और फ्यूचर में देख लें, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स, यानी मैं 5 सालों से एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँगा, ये फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब आप यहाँ पे एक बात और भी समझें, इन फिक्रों के अंदर जो हम टाइम मेंशन करते हैं, उसके लिए हम आम तौर पे 2 प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, एक होती है सिंस और एक होती है फॉर। यानी इन प्रेपोजिशंस के बाद हम टाइम मेंशन करते हैं, तो इनका फ़र्क बाज़ूकात बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हालांकि सिंपल सी बात है कि सिंस के लिए आप जहन में रखें पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर के लिए जहन में रखें पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट और पीरियड का क्या फ़र्क होता है, यानी जो बात आप पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करके कर रहे हैं, उसी बात को आप पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करके भी कह सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि माली 3 घंटों से पौधों को पानी दे रहा है, अब इस वक्त बजे हैं 2। अगर मैं कह दूं कि माली 11 बजे से पौधों को पानी दे रहा है, तो ये भी वही बात है। मतलब 3 घंटे पीछे चले जाए तो 11 ही बजे थे, यानी बात सेम ही है। लेकिन इस बात को करते हुए जो मैं टाइम मेंशन कर रहा हूँ, वो 2 डिफरेंट तरीकों से मेंशन कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ ना कि 3 घंटों से माली पौधों को पानी दे रहा है, तो मैं पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ, ड्यूरेशन बता रहा हूँ कि इस काम को करते हुए माली को 3 घंटों का टाइम गुजर चुका है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 11 बजे से माली पौधों को पानी दे रहा है, तो अब मैं पीरियड नहीं बता रहा, अब मैं आपको ड्यूरेशन नहीं बता रहा, बल्कि वो टाइम बता रहा हूँ जिस टाइम पे माली ने पौधों को पानी देने वाला काम शुरू किया था। जो पीरियड कितना गुजर गया है, ड्यूरेशन कितनी गुजर गई है, वो आप खुद निकाल लें, वो हिसाब लगा लें कि 11 बजे शुरू किया था, अब 2 बजे हैं, तो इसका मतलब है 3 घंटे गुजर चुके हैं। यानी 11 बजे जब मैं कह रहा हूँ, तो फिर मैं यूज़ करूँगा सिंस। मैं कहूँगा द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 11 AM। लेकिन मैं कहूँ कि माली 3 घंटों से पौधों को पानी दे रहा है, तो फिर मैं कहूँगा द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 3 आवर्स। इसी तरह से मैं कहूँ कि मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब देखिए, आज थर्सडे है, 4 दिन पीछे चले जाएँ तो था संडे। मैं ये बात ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं संडे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी बात वही है, मतलब मैं 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं संडे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, एक ही बात है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ संडे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा हूँ, यानी वो दिन बता रहा हूँ जिस दिन मैंने इंतज़ार करना शुरू किया था। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 4 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, अब मैं पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ, यानी इतने दिन हो गए हैं मुझे इस काम को करते हुए, इतनी ड्यूरेशन, इतना दौरानिया हो चुका है मेरे इंतज़ार करने का जो अमल है वो जारी है। तो अगर 4 दिनों की बात करूँ, मैं कहूँगा फॉर 4 डेज, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि संडे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस संडे। इसी तरह से मैं कहूँ कि हम 5 महीनों से हारूनाबाद में रह रहे हैं। अब देखिए, जनवरी 2021 चल रहा है, 5 महीने पीछे चले जाएं तो अगस्त 2020 था। यानी इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हम अगस्त 2020 से हारूनाबाद में रह रहे हैं। अब वही बात है, हम 5 महीनों से हारूनाबाद में रह रहे हैं, हम अगस्त 2020 से हारूनाबाद में रह रहे हैं, सेम ही बात है, बस इसमें फ़र्क है पॉइंट और पीरियड का। जब मैं कह रहा हूँ 5 महीनों से हारूनाबाद में रह रहे हैं,
तो मैं कहूँगा 4-5 months, लेकिन अगर मैं कहूँ अगस्त 2020 से अरुणाबाद में रह रहे हैं तो मैं कहूँगा सिंस अगस्त 2020, यानी वी हैव बीन लिविंग इन अरुणाबाद 4-5 months। और अगर सिंस यूज़ करना है, इसी बात को सिंस यूज़ करके कह लें, तो मैं कहूँगा वी हैव बीन लिविंग इन अरुणाबाद सिंस अगस्त 2020। इसी तरह से आपने कहना है कि हुकूमत 6 सालों से दहशतगर्दी पर काबू पा रही है। अब इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी 2021 चल रहा है, 6 साल पीछे चले जाएं, 2015 था, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसी बात को कि हुकूमत 2015 से दहशतगर्दी पर काबू पा रही है। यानी वही बात है, बस पॉइंट और पीरियड का फ़र्क है। अगर मैं कह रहा हूँ 6 सालों से इस काम को कर रही है, तो मैं कहूँगा द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंट्रोलिंग टेररिज्म फॉर 6 ईयर्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2015 से ये काम कर रही है, वो साल मेंशन कर दूं जिस साल हकूमत ने इस काम को करना शुरू किया था, तो फिर मैं पॉइंट ऑफ टाइम चुके बता रहा हूं, फिर मैं यूज करूंगा सिंस। मैं कहूंगा द गवर्नमेंट हैज बीन कंट्रोलिंग टेररिज्म सिंस 2015। इसी तरह से बाजू का तो हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन ही बताते, वैसे ही कह देते हैं कि कई सालों से, कई महीनों से, या कुछ दिनों से, कुछ घंटों से फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम को कर रहा है, तो उसके साथ भी हम फॉर यूज़ करते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर सम ईयर्स, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं इनके साथ भी हम फॉर यूज़ करते हैं। और बाजू का तो हम टाइम नहीं बताते, हम बताते हैं सुबह से फ़लाँ आदमी फ़लाँ काम कर रहा है, दोपहर से फ़लाँ आदमी फलां काम कर रहा है, या शाम से या रात से फलां आदमी फलां काम कर रहा है, तो इनके साथ आप यूज करते हैं सिंस, क्योंकि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम ही होते हैं। मॉर्निंग का मतलब है सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम, यानी आप अगर इस वक्त 2 बजे हैं, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं 8 घंटों से फलां काम कर रहा हूं। इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि मैं सुबह से फलां काम कर रहा हूं। वो जो 8 घंटे बता रहा हूं तो मतलब पीरियड बता रहा हूं, लेकिन सुबह से की जब मैं बात कर रहा हूं तो अगला बंदा समझ आएगा कि सुबह 6 बजे के आसपास मैंने इस काम को करना शुरू किया था, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं बता रहा, कितना टाइम गुजर गया है, कितना दौरानिया गुजर गया है, वो नहीं बता रहा। तो इसलिए मैं मॉर्निंग अगर यूज करूंगा तो उसके साथ लगाऊंगा सिंस, लेकिन 8 घंटों की बात करूंगा तो उसके साथ लगाऊंगा फॉर 8 आवर्स। इस तरह से करके ये नून, नाइट और आफ्टरनून वगैरह, इनके साथ भी आप सिंस को इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंस और फॉर का फ़र्क तो समझ आ ही चुका होगा। अब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और फिक्रे बनाएं। तुम सुबह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। अब इस फिक्रे में देखिए, काम अपनी जारी हालत में है, लेकिन साथ ये भी पता है कि कब से ये काम जारी है। सुबह से जारी है, तो मैं कहूँगा यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, इसमें हैव बीन क्यों लगाया है, क्योंकि बाद में टाइम भी आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। अगर टाइम ना होता तो फिर मैं कहता यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये इतना ही फिक्रा होता, तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, लेकिन सुबह से कर रहे हो तो यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम सिंस मॉर्निंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। ये बच्चा कई घंटों से रो रहा है, ये बच्चा रोने वाला काम जारी है, लेकिन साथ पता है कई घंटों से जारी है, तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का है। मैं कहूँगा दिस चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर मैनी आवर्स। देखिए, इसमें कई घंटे कहा गया है, कुछ स्पेसिफिक एग्जैक्ट नहीं बताया गया कितने घंटे, कई घंटों से, ये भी ड्यूरेशन होती है, ये भी पीरियड होता है कि इतना, इतने घंटे, इतना टाइम गुजर गया इस बच्चे को रोते हुए। तो मैं परफेक्ट कंटिन्यूस में बना रहा हूँ और इसमें फॉर यूज़ कर रहा हूँ, दिस चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर मैनी आवर्स। हम 1990 से इस मकान में रह रहे हैं। अब देखिए, इसमें पता है कि कब से ये काम जारी है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने साल गुजर गए हैं। वो साल हमें खुद निकालना पड़ेंगे, पीरियड नहीं पता, वो हम खुद निकालेंगे। 2021 चल रहा है, 1990 से इस मकान में रह रहे हैं, तो हम कहेंगे हम 31 सालों से इस मकान में रह रहे हैं। यानी ये बात ऐसे भी कही जा सकती है, वो 31 साल मेंशन करेंगे तो फिर आप फॉर लगा लेना, लेकिन अगर 1990 की बात करें फिर आप सिंस यूज़ करेंगे, तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। यानी अगर आप सिंस नहीं यूज करना चाहते, आप फॉर यूज कर लें, लेकिन फॉर के बाद फिर ड्यूरेशन बताएं, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 31 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ फिक्रे पास्ट के बना लें। तुम कई महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे, यू हैड बीन, अब इसमें हैड बीन यूज़ कर रहा हूँ, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स। देखिए, कई महीनों से, एग्जैक्ट नहीं पता कितने महीने, लेकिन ये भी ड्यूरेशन है, कई महीनों से, तो इसके लिए मैं फॉर यूज़ कर रहा हूँ।
इसी तरह से मैं कुछ दिनों से मुश्किलात का सामना कर रहा था। अब ये भी आप देख ले, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आई हैड बीन फेसिंग डिफिकल्टीज फॉर सम डेज, ये भी ड्यूरेशन है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रहे किस दिन से मुश्किलात का सामना करना शुरू किया था, तारीख क्या थी, महीना कौन सा था, दिन कौन सा था, ये नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जी कुछ दिन गुजर चुके थे उस काम को करते हुए, तो इसलिए मैं फॉर यूज़ करके लिखूँगा, फॉर सम डेज। आई हैड बीन फेसिंग डिफ़िकल्टीज फॉर सम डेज। इसी तरह से आप फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस के फिक्रे भी बना लें, लेकिन फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा जो प्रैक्टिकल इंग्लिश में हम देखते हैं वो यही प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस या कुछ पास्ट के यूज़ होते हैं। बहरहाल आपको इनका स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, आप अपनी प्रैक्टिस करें, कुछ और फिक्रे बनाएं। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन टेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तरीकाकार तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम अगली वीडियो में इनको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने की कुछ ज़रूर करेंगे, और इस तरह से ये सिलसिला आगे को चलेगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।